नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं अलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये सेशन, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है और आने वाले वीडियोस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरी बात, अगर वीडियो को आप लाइक भी कर दें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके लिए ये समझ लीजिए कि जो आने वाला समय है या जो आने वाला महीना है वो परीक्षाओं का सीज़न आने वाला है। बहुत ही पुख्ता जानकारी के साथ जो मैं आपके सामने जानकारी लेके आया हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो अधीनस्थ अभी तक सो रहा था कहीं ना कहीं, आने वाले 100 दिनों में, 100 या 120 दिनों में मान के चलो, 3 से 4 महीने ऐसे बोल के चलो, वो कंटिन्यू परीक्षा कराने के लिए एकदम दिमाग में रखा हुआ है और उसके लिए वो खुद के अंदर भी हायरिंग कर रहा है। और बाकी जो पद हैं जो अभी तक रिक्त थे या जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई थी 2018 से लेके 19-20-21 की बात करें, या हम 2022 की बात करें जो पीईटी के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आता है, सभी का एक साथ परीक्षा कराने का जो आयोजन बना रहा है उसके बारे में ये आपका सेशन है। तो आप यहाँ पे थंबनेल देख भी लिए होंगे कि 100 दिन में 32,000 पद लगभग, और उन 32,000 पद में जो आपके बड़े बड़े पद हैं, एएनएम के हो गए, लेखपाल के हो गए, ये तो बड़े बड़े है ही हैं आपके, और फिर आपका स्टेनो वगैरह आपका हो गया, ईजीटीए वगैरह का हो गया, 2500-2000 पद इनमें भी आने वाले हैं। तो कुल मिला के 32,000 पद, और इनकी परीक्षाएं मैं आपको बता दूं बहुत जल्द होने वाली हैं। कुछ का तो आपका फॉर्म आ भी गया है, कुछ का डेट और जो संभावित डेट है वो आपको बता भी साथ में बताते भी चलूंगा। जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि सर्वप्रथम तो जेई का भी 16 अप्रैल का तो जेई की ही परीक्षा होगी, उसके बाद ये यूडीए और एलडीए, अपर डिवीजन असिस्टेंट और लोअर डिवीजन असिस्टेंट बोलते हैं इसे, है ना, प्रवर और अवर जिसे सहायक बोलते हैं, ये जो वैकेंसी है ये कायदे से वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी अपने लिए कर रहा है। अपने लिए कहने का मतलब ये है कि अभी तक अधीनस्थ का कहना है कि हमारे पास खुद ही कर्मचारियों की संख्या कम है और ये कहीं ना कहीं एक विडंबना ही है, जो एग्जाम सही से कंडक्ट करवा पाएं या फिर रिजल्ट समय पर निकाल पाएं, तो इनको अपने लिए ही कहीं ना कहीं पद चाहिए जो ये यूडी और एलडी का निकालेंगे। हालांकि 2018 में इन्होंने इसका इंटरव्यू के बेसिस पे एक एग्जाम कराया था, 54-55 पोस्ट थे, उसमें कुछ भरे थे, लेकिन अभी पदों की संख्या काफी ज्यादा रिक्त है, करीबन 200-250 पद है, तो ये भरे जाएंगे। उसके बाद अभी एएनएम का तो होगा ही, एएनएम के बाद आपका लेखपाल जो जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है, और सबसे बड़ी बात है कि दोबारा जो पीईटी 2022 है वो फिर से आपका अगस्त में प्रस्तावित है, ये बात भी आप समझते हुए चलिएगा। उसके बाद एजीटीए और केन सुपरवाइजर के होंगे, इसके करीबन 2500 पद हैं। यहाँ पे अगर आप एएनएम के देखो तो 9000 पद है, लेखपाल के लगभग 8000 पद है, इसके 2000 पद हैं, 2500 पद हैं एजीटी और केन सुपरवाइजर के, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के लगभग 2000 पद हैं। बाकी पीईटी 2022 आपका अगस्त में होगा और ये सारी परीक्षाएं पीईटी से पहले होंगी, पीईटी के बाद होने वाली परीक्षाएं जैसे बाल पुष्ट आहार है, ये भी आपका जो 2021 का पीटी हुआ है उसके मेंस का होगा, सांख्यिकी शोध अधिकारी ये 2019 का पेपर था ये आपका होगा, वन रक्षक ये भी आपका पुराना पेपर है होना है, बोरिंग टेक्नीशियन ये भी पुराना 2019 का पेपर है होना है, टेक्निकल असिस्टेंट ये पीईटी 2021 के आधार पे होना है, और लैब और एक्सरे टेक्नीशियन भी यहाँ पे आपका होना है। तो अधीनस्थ पूरा मूड बना लिया है, और एक बार समझिएगा, कई बार आप जब भी कोई चीज सुनते हो ऐसा लगता है ये तो पुराना रवैया ही है, अब नहीं होगा। आपने पीटी में देखा था बहुत कम समय में उसने आयोजन कर लिया था, बीच में कारण क्यों रुका, क्योंकि बीच में चुनाव था, और फिर से आप देख पा रहे होगे कि वो कंटिन्यू रिजल्ट निकाल रहा है ना, अभी जल्द ही रिजल्ट आए हैं, उसके बाद फिर आप एएनएम के भर्ती का विज्ञप्ति भी देखे होंगे, उसमें सारे लोगों को कॉल कर लिया है, अभी इससे इसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट इसी महीने में आने वाला है जो पुराना था, उसके बाद आपका जे 2016 का आएगा, जूनियर असिस्टेंट 2016 का, तो रिजल्ट भी एक तरफ कंटिन्यू निकल रहे पुराने वाले, और परीक्षाएं भी हो रही है जिसमें जे जो 2018 का है वो तो आपका 16 अप्रैल को ही परीक्षा कराने का आयोजन बन चुका है और एडमिट कार्ड भी उसके जारी हो गए हैं। तो ये बात आप समझते हुए चलो कि अब अधीनस्थ में आपको मौका नहीं मिलना है। और एक बात और समझ लीजिएगा, आप क्या करते हो, ये इंतजार करते हो कि कोई नोटिफिकेशन आए, कोई विज्ञप्ति आए, तब जाके हम तैयारी शुरुआत करें, तो बहुत कम समय होता है, इस बात को समझिएगा, और कम समय में फिर आप रह जाते हो, जैसे पीटी में आप धोखा खाए थे, अच्छे खासे बच्चे भी उनके परसेंटाइल स्कोर कम रह गए हैं। तो अभी आपके पास 100 से 120 दिन है और इन्हीं के बीच में परीक्षाएं होनी है, विभिन्न परीक्षाएं होनी है, तो उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ। और अब अगर जो थोड़ा सा मन में ये था कि यार पता नहीं कब होगा, दिमाग से निकाल दो, एक बात समझो, अगर मैं कोई चीज बोलता हूं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं, कोई ना कोई बहुत ही सॉलिड जानकारी होती है, तभी मैं आपके सामने वीडियो लेके आता हूं, वरना मेरा उद्देश्य कभी भी वीडियो बनाना नहीं होता है।
तो मैं आपको पहले से इस चीज से अवेयर करा रहा हूं, अपनी तैयारी जारी रखो, और जारी नहीं अब एक स्पीड इसे दे दो, जो अभी आप 2 घंटा 3 घंटा एवरेज पढ़ दो, 5 से 6 घंटा पढ़ना शुरुआत कर दो, और बहुत ही तरीके से पढ़ो। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में आप देख रहे हो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं जो चुपचाप कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, लिटरली उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो इस बात भी अपने दिमाग में रख लो कि कंपटीशन भी आपको बीट करना है, केवल आपकी स्कोर मायने नहीं रखते, उस कंपटीशन में लिस्ट में नाम आना आपका मायने रखता है। तो उम्मीद है इस वीडियो में से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, जानकारी है ये आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया। तमाम परीक्षाओं की तैयारी हम आपके साथ तो है ही है, परीक्षा प्लस टीम हमेशा से आपके साथ रही है, उच्चतम गुणवत्ता लेकिन न्यूनतम शुल्क में, वो भी अभी वीडियो का ही देख लीजिए, 399 में आपका बैच चल रहा है, 1000 का बैच है जो आपका करीबन यहाँ पे 60% ऑफ चल रहा है, और ऐसे तमाम जो कोर्सेस हैं वो आप परीक्षा प्लस ऐप पे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, परीक्षा प्लस ऐप पे जाके ये है ना, प्ले स्टोर पे परीक्षा प्लस ऐप सर्च करोगे तो ये आपको मिलेगा, जहां पे ऐसा आपका ऐप आएगा, तो ये तमाम कोर्सेस सेक्शन में जाके तमाम कोर्सेस आपके हैं, लेखपाल कंप्यूटर रेडियो ऑपरेटर संकल्प बैच में 6 कोर्सेस हैं, वीडियो और एग्जाम कंप्यूटर ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर यूपीएसआई एसआई कॉम्बो जूनियर असिस्टेंट, सारे के सारे बैचेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, वो भी न्यूनतम प्राइस में। तो उम्मीद है अब इस बात को, जो कहीं ना कहीं चीजें आपको पता चलने लगी हैं और आप देख भी रहे हो, अपनी तैयारी जारी कर दो, ऐसा ना हो बच्चों कि बाद में आपका पेपर भी आ जाए और फिर आपके हाथ में केवल पछताना रह जाए। कोई भी परीक्षा निकालने के लिए मिनिमम आपको 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं, 2 महीने में कोई परीक्षा निकलती नहीं है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, फिर समस्या आपको ही होती है। तो इस चीज़ के साथ तैयारी आप आगे रखो। एक और बहुत ज़रूरी बात है, टीम परीक्षा प्लस ने ये डिसाइड किया है कि UP SSC के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए एक स्पेशल MCQ क्लास चलाने वाला है, जिसमें आपको जो नए क्वेश्चन जैसे बन रहे हैं, चाहे आपके कोई भी आप इधर की परीक्षा देख लो जो NCERT के आधार पर बन रहे हैं या एकदम नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं, उनके आधार पर अति संभावित प्रश्नों की UP SSC स्पेशल श्रृंखला चलाने का विचार कर रही है। आप में से कितने ऐसे बच्चे राजी हो जो ये निःशुल्क श्रृंखला रात के 9 बजे आपको अवेलेबल होगी? अगर आप चाहते हो तो जरूर कमेंट में एक बार मुझे बताएं कि हाँ, ये निःशुल्क जो श्रृंखला है अति संभावित प्रश्नों का आपके लिए लेके आया जाए। अगर आप हाँ कहते हो तो बिल्कुल बहुत जल्द इस पर प्रयास किया जाए, नहीं कहते हो तो कोई बात ही नहीं, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।